आपका क्वेश्चन है, इन फिगर पी एस डी ए इज अ पैरेललोग्राम इन विच पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस एंड ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू एंड इज पैरेलल टू सी आर। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ डी। ठीक है, तो ये आपका एक फिगर है, इसको पहले हम समझते हैं इसने क्या कहा। इसने कहा पी एस डी ए कहां पर है आपका, पी एस डी ए इज अ पैरेललोग्राम, दैट मीन दिस इज योर पैरेललोग्राम। तो नाउ वी कैन से दैट इफ इट इज अ पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो हमारा क्या आ जाएगा, इन पैरेललोग्राम आपका है पी एस डी ए, तो अपोजिट साइड कौन से हैं, पी एस एंड ए डी। पी एस इज पैरेलल टू ए डी एंड पी एस इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, नाउ अब इस साइड से देखो, पी ए इज पैरेलल टू एस डी, पी ए इज पैरेलल टू एस डी एंड पी ए इज इक्वल टू एस डी। ठीक है, ये आपके दो कंडीशंस आते हैं इसमें पैरेललोग्राम में। नाउ अब देखो इसने आगे क्या कहा है, इसने कहा पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस। तो ये आपके कहां पर है, देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस, दैट मीन्स आपके कितने पार्ट हो गए, ये वन टू एंड थ्री, तीनों पार्ट इक्वल है। ठीक है, तीनों पार्ट इक्वल है, तो दैट मीन्स वी कैन नाउ राइट इट एज दिस इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ पी एस, है ना, ईच पार्ट इज वन थर्ड ऑफ पी एस नाउ, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ ए डी, क्योंकि पी एस इज इक्वल टू ए डी, है ना, ये रहा। Now, फिर आगे इसने क्या कहा है, देखो ए पी इज पैरल टू बी क्यू, दैट मीन्स दिस इज पैरल टू बी क्यू एंड बी क्यू इज पैरल टू सी आर दिस वन। और हमारा पहले से एक था पाई पी ए इज पैरल टू एस डी, तो अब हमारा क्या हो गया, इसको मिला के वी विल राइट दैट ओनली, तो हमारा हो गया ए पी इज पैरल टू बी क्यू इज पैरल टू सी आर, बट आपका क्या है, ए पी इज पैरल टू एच डी ऑल्सो, तो दैट मीन दिस इज पैरल टू एच डी। तो दैट मीन्स ऑल दीज फोर लाइन्स आर पैरल टू ईच अदर। ठीक है ना, अब देखो क्या है, प्रूव करना है हमको कौन सा ट्राइंगल, दैट इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ई, दैट मीन दिस ट्राइंगल पी क्यू ई। ठीक है ना, दूसरा देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ डी, सी एफ एंड डी, दैट मीन्स आपका ये वाला ट्राइंगल। ठीक है नाउ, तो फर्स्ट आप दोनों ट्रायंगल लिखेंगे, कौन कौन से हैं हमारे ट्रायंगल है, पहला वाला इज पी क्यू ई एंड दूसरा वाला कौन सा है हमारा, दैट इज योर सी एफ डी। ठीक है नाउ, तो अब देखो हमको पता है पी एस इज पैरेलल टू ए डी,
तो ये वाले एंगल कौन से हो जाएंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, दे आर इक्वल. तो नाउ वी कैन राइट इट एज एंगल क्यू पी ई, एंगल क्यू पी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी एफ. हो गया. नेक्स्ट देखो, आप अगर हम बोल रहे हैं कि ऑल दिस एंगल्स आर पैरेलल, पैरेलल हैं, है ना, और हमको यह भी पता है कि दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, तो अब आपका क्या हो गया, अगर ये पैरेलल है दैट मींस आपका ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, है ना, क्योंकि हमने यहां पर लिखा है देखो 1/3 ऑफ पी एस इज दिस, तो उसके अपोजिट साइड्स आर दिस, है ना. अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एक अगर इंडिविजुअल को देखोगे तो दे आर द इक्वल पैरेललोग्राम्स, ठीक है. तो नाउ वी कैन से दैट पी क्यू इज इक्वल टू सी डी, पी क्यू इज इक्वल टू सी डी, क्यों, क्योंकि सी डी इज इक्वल टू आर एस एज पर पैरेललोग्राम, है ना. तो आपका हो गया पी क्यू इज इक्वल टू सी डी. और देखो और क्या आ रहा है आपका इसमें, क्या आ रहा है ना. अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल टेक दिस एंगल, एक ट्रायंगल लेंगे ये वाला, दैट इज पी आर एफ, ट्रायंगल इज पी आर एफ, ठीक है ना. तो लेकिन हमको पता है पी आर एफ में क्यू इज द मिड पॉइंट, क्यू इज मिड पॉइंट, एंड हमको यह भी पता है कि दीज लाइंस आर पैरेलल, तो दैट मींस आपका क्या है, क्यू ई इज पैरेलल टू आर एफ, क्यू ई इज पैरेलल टू आर एफ. अगर ये पैरेलल है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन नाउ से दैट ई इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है. नाउ अगर ई मिड पॉइंट है इसके साइड के, तो आपका क्या है, देखो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना. अब आप ट्रायंगल ले लो ये वाला डी बी ई, तो हमने ले लिया सेम ट्रायंगल डी बी, ट्रायंगल इज योर डी बी, ठीक है ना. अब आप देखो इसके अंदर हमको पता है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस है, है ना, तो C इज द मिड पॉइंट, एंड वी ऑल्सो नो दैट सी एफ इज पैरेलल टू बी, सी एफ इज पैरेलल टू बी. तो अब बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, F इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट बिटवीन D एंड E, तो वी कैन नाउ से F इज मिड पॉइंट. इफ एफ इज द मिड पॉइंट बिटवीन डी एंड सी, दैट मीन दिस इज इक्वल टू दिस ऑल्सो, तो अब आपका क्या हो गया, देखो पीई इज इक्वल टू एफ डी, पीई इज इक्वल टू एफ डी, तो बाई एस ए एस, तो वी कैन राइट इट एज बाई एस ए एस क्राइटेरियन, आपका क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, तो वी कैन राइट इट एज
ट्रायंगल PQE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दैट इज योर CFD. दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एरिया क्या होगा? इक्वल, है ना? हाँ. देयरफोर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CFD. हेंस प्रूफ. ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको करना है.